दोस्तों स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जो NSDL पेमेंट बैंक का CSP लिए, यदि आप भी लेना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको रियल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको पूरा कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा ताकि आप भी अगर आप लेना चाहो तो आप सही तरीके से आप CSP ले सको, गलत जगह पे आपका पैसा बर्बाद ना हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आपके साथ में शेयर करना चाहा। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगा तो किस तरीके से आप जो NSDL पेमेंट बैंक का CSP ले सकते हो और साथ साथ कैसे आप उसमें काम कर सकते हो, कितना आपका क्या प्रोसेस है, सभी डिटेल्स में जानकारी देने वाला। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज्यादातर केस में आपको जो कंपनी की तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं मिलता है। आप NSDL बैंक के वेबसाइट पे भी जाकर के अगर आप कुछ ईमेल भेजते हो या फिर फोन करते हो तो आपको किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं मिलेगा। हम जो है बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, एक दो महीने से फ़ोन कर रहे थे, मेल कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके का कुछ भी कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं मिला। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप जो कंपनी से कॉन्टेक्ट ही ना करो, आप कोशिश करो, यदि आपको कंपनी की तरफ से अगर प्रॉपर रिप्लाई मिल जाता है तो आप सही तरीके से सही चीज़ ले पाओगे। या फिर दूसरा रास्ता है, हम जो रास्ता अपने आपको अपने आसपास में, आपके अपने नज़दीक में जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि तो आप अपने आसपास में कहीं पे भी अगर NSDL पेमेंट बैंक का बैनर देख रहे हो वहाँ पर जाकर के आप बात कर सकते हो। सकते हैं आपके आसपास का आदमी आपको जो भी जानता है वो आपको नहीं बताए। अगर अपने एरिया से हट के कहीं दूसरे जगह पे देखिएगा तो वहाँ पे आपको अगर उससे पूछेगा तो वो आपको जरूर बता देगा। तो मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो हम जो है एक दुकानदार के पास में जाकर के बातचीत किए। दोस्तों आपको YouTube पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 399 499 में दे करके जो है CSP चालू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो देख करके आप जो है उसके चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि उसमें आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें आपको ऑफलाइन मोड अपनाना पड़ेगा, इसमें आपको तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्च आता है तब जाकर के आपको CSP मिलेगा। दोस्तों आपको ऑफलाइन माध्यम ही अपनाना ज़्यादा बेटर होगा। तो हम जो है उनसे जाकर के बात किए तो वो बताए कि इस तरीके का प्रोसेस होता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, ये सारा चीज़ आपको उनको देना है। फॉर्म रहता है, फॉर्म फिलअप करके आप सारा चीज़ दे दीजिएगा, उसका जो भी चार्ज होगा वो आपको पेड कर देना है। विथिन आपको 24 से 48 घंटे के बीच में आपका CSP ID जो है एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप अपने कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हैं। तो यदि आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं तो उसमें जो एक मेन प्रॉब्लम है, कस्टमर के पास में पैन कार्ड का होना जरूरी है। यदि कस्टमर के पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप जो है उनका अकाउंट फिलहाल ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बिना पैन कार्ड डाले हुए आप आगे का प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बिना पैन कार्ड का आप अकाउंट नहीं खोल सकते हो। आप बात कर लेते हैं यदि आप कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं उसमें आपका कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों आपको 1 भी रुपये उसमें नहीं लगेगा, आप फ्री में कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हो। और उसके बाद जो कस्टमर के अकाउंट से बोला जा रहा है कि 118 रुपये जो है चार्ज कटेगा। हम यहाँ पे कुछ अकाउंट तो ओपन किए लेकिन कितना चार्ज कट रहा है वो हम अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए, जैसे वो कंफर्म होगा और यदि आप लोग जानना चाहो तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बात कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से मुझे जो बोला गया कि आपको 25 रुपये पर अकाउंट मिलेगा, जितना भी आप अकाउंट खोलिएगा उसमें एक अकाउंट का आपको चार्ज 25 रुपये दिया जाएगा, जो कि महीने के एंड में आपको मिलेगा। तो 1 तारीख तक आपका जो है कमीशन बनेगा, इस तरीके से आपके वॉलेट में ही ऐड हो जाएगा जो भी आपका करेंट अकाउंट होगा। तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे आप ये फॉर्म वगैरह सारा चीज़ सबमिट कीजिएगा, पेमेंट वगैरह दे दीजिएगा, तो आपको NSDL पेमेंट बैंक का एक करेंट अकाउंट खोल करके दिया जाएगा और आप जो भी लेन देन कीजिएगा आपका उसी करेंट अकाउंट में आपका बैलेंस ऐड हो जाएगा और उस बैलेंस को आप कहीं पर भी ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेन देन भी कर सकते हो। इस तरीके से जो भी आप NSDL पेमेंट बैंक के थ्रू से ट्रांजेक्शन करते हो वो आपको वहाँ पे NSDL GFE में जाएगा। नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट के लिए होता है उसके लिए हम प्ले स्टोर में जाकर के NSDL GFE डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों CSP चलाने के लिए आपको जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, इनके माध्यम से CSP लोगे वही आपको एक एप्लीकेशन देगा, जो कि एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करके कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हो। तो दोस्तों ये 25 रुपये का जो कमीशन है ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में भी अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया गया है कि आपको 25 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप भी जुड़ना चाहते हो, यदि आप भी CSP खोलना चाहते हो तो आप बेचक खोल सकते हो। हमारे थ्रू से भी अगर आप CSP चलाना चाहो तो आपको CSP ID मिल जाएगा, आप बेचक कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हो, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और यदि आप खोलना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो इसके रिगार्डिंग आपको पूरा गाइड करूंगा। कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर किए कि किस तरीके से हम NSDL पेमेंट बैंक का CSP ओपन किए। अब हम NSDL पेमेंट बैंक का थोड़ा सा इंटरफेस आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से उसका इंटरफेस होता है, कैसे हम कस्टमर का अकाउंट खोल पाते हैं। पूरा प्रोसेस तो हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अभी किसी कस्टमर का यहाँ पे हमारे पास में डिटेल्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। NSDL GFE जो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन आप देख पा रही है आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये API लिंक है।
दोस्तों ये जो ऐप है ये आपको एपीआई लिंक है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही मिलेगा। तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट एनएसडीएल पेमेंट बैंक के थ्रू से जुड़ करके काम करोगे। अगर आप 300-400 रुपये वाला आईडी लेकर के चलाओगे तो आपकी कंपनी के थ्रू से जोड़ करके आपको जो है काम दिया जाएगा, हो सकता है आपको कमीशन वगैरह भी नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। यहाँ पे फाइनली आपका तो नहीं बना है, मेरा बना हुआ, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, उसको लॉगिन करके आपको दिखा। तो इसमें क्या है कि जो भी ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आपको नोट करके लिख लेना है। अब बार बार यदि आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो इस तरीके से आपको ओटीपी सेंड नहीं करना है, उसी ओटीपी को आप बार बार यूज कर सकते हो। इसमें किसी भी तरीके का फिलहाल फिंगरप्रिंट का यूज नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हो, अपने भाई को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, वो आपका अकाउंट खोल करके आपको देगा। अब यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इसके इंटरफेस आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यदि कस्टमर का बैलेंस निकासी करना चाहते हो तो आपको एपीएस के थ्रू से इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो। खोलने के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पहले मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा, नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, कस्टमर के मोबाइल फ़ोन में ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप कीजिएगा। ओटीपी टाइप करने के बाद किसी किसी में आपको जो है नाम भरने का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपको कस्टमर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख करके नेक्स्ट कीजिएगा। अगला ऑप्शन में पैन कार्ड आ गया, या फिर किसी किसी का डायरेक्ट जो है इस तरीके से पैन कार्ड का ही ऑप्शन आता है, जिसमें पैन कार्ड नंबर जैसे टाइप कीजिएगा उसका नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका सारा डिटेल्स ऐड हो जाता है। इस तरीके से कुछ स्टेप को फॉलो करके दोस्तों कस्टमर को इंस्टेंटली जो है अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं। कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाता है, सीधा आपको प्ले स्टोर में जाकर के आपको एनएसडीएल टाइप कर देना। जैसे एनएसडीएल टाइप कीजिएगा यहाँ पे एनएसडीएल जीपी दिखा देगा, सीधा इसके ऊपर में क्लिक कर देना, इंस्टॉल कर देना। कंपनी की तरफ से जो भी कमीशन मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप जो है कोई भी कस्टमर का अकाउंट खोले जो कि अभी तक जो कोई भी किसी भी तरीके का यूपीआई यूज नहीं करता, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, तो इस सब को भी रेफर करके उसके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉलेशन करवा दीजिएगा, उससे भी आपको कुछ अच्छा खासा अर्निंग मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ला सकूँ।